ये हमने एक डिकेट काउंटर सर्किट बनाई है, जिसमें एक डिकेट काउंटर IC4017 का यूज़ किया है, और ये बाइनरी डिकेट काउंटर है, यानी ये इंडिविजुअली आउटपुट देगी हर एक पिन पे। 10 LEDs हमने लगाए हैं, तो जब काउंटिंग शुरू होगा तो एक एक LED कंटिन्यूसली ऑन होती जाएंगी। तो इसको कई तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। यहाँ पे हमने मैन्युअली इसको पल्स दिया है, यानी काउंटिंग जब होगी, काउंटिंग के लिए इनपुट हमने स्विच के थ्रू दिया है। यहाँ पे एक माइक्रो स्विच लगाया हुआ है, जिसको हम पुश करेंगे तो एक पल्स को ये काउंट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करेगा। जनरली इसकी जगह हम 555 टाइमर या कोई भी टाइमिंग जनरेटर IC लगा देते हैं, जिससे ये कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंसी लेता रहता है और पल्स लेता रहता है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट जनरेट करता है। यहाँ पे अगर हम एक बार पुश करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर सप्लाई, ये इनपुट पावर सप्लाई ऑन है, आउटपुट पावर सप्लाई ऑन है और पहली वाली LED ऑन है। जब हम इसमें एक बार प्रेस करेंगे तो एक LED शिफ्ट हो गई, यानी आप देख सकते हैं दूसरी LED ऑन हुई। फिर से हम पुश करते जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग LEDs ऑन होती जा रही हैं। तो ये डिकेड काउंटिंग है, और फिर से ये पहली वाली LED हमारी ऑन हो जाएगी। इसके कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे आपको काउंटिंग करनी है या फिर कोई इंडिकेशन देना है तो उसकी जगह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन के आउटपुट जेनरेट कराने हैं वहाँ भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। इसमें जो भी कंपोनेंट्स लगे हैं आप देख सकते हैं। और सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा वोल्टेज रेगुलेटर, क्योंकि यहाँ पे हमने 5 वोल्ट सप्लाई दी है इस IC को, और यहाँ इनपुट 9 वोल्ट आ रहा है, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है 5 वोल्ट में। उसके लिए हमने ये रेगुलेटर IC यूज़ की है। इसको लगाते समय आप डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे कि जो 1 नंबर पिन है उसी पे इनपुट आना चाहिए और 3 नंबर पे आउटपुट जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट ग्राउंड है ना, आउटपुट। तो ये रेगुलेटर IC है जिसपे हमें कॉन्टिन्यूसली 5 वोल्ट मिलता है। देन LED एक यूज़ की है हमने, ये बेसिकली 12 LEDs इसमें यूज़ हुई हैं, जो कि आउटपुट आप देख सकते हैं कि आउटपुट जनरेट कर रही है। LED को लगाते समय हमें ध्यान रखना होता है इनकी लेग्स का पॉजिटिव, यानी जो बड़ी वाली लेग है वो एनोड कहलाती है। करंट का डायरेक्शन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होना चाहिए, यानी जब भी कोई LED आप लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ये LED हमने लगाई है, तो आप इसमें ये देख सकते हैं एनोड जो है वो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और कैथोड को हमने फिर रेजिस्टेंस के थ्रू नेगेटिव किया है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, जब भी आप LED लगाएंगे तो इसका डायरेक्शन सही होना चाहिए। देन ये रेजिस्टेंस है, हर एक LED के साथ हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है सो दैट कि वो LEDs ख़राब ना हो। ये करंट को लिमिट कर देती है, सारी 1 किलो के रेजिस्टेंस हैं। ये हमारी IC है, डिकेट काउंटर IC, और ये इसको लगाते समय भी आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी IC जब आप लगाते हैं तो उसकी काउंटिंग आपको पता होनी चाहिए, किधर से पिन काउंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक नॉच होती है, इस नॉच के रेफरेंस में हम काउंट करते हैं, यानी ये पिन नंबर 1, 2 इसके लेफ्ट साइड में, जब आप इसे टॉप अपनी तरफ रखेंगे ये टॉप सरफेस, तो लेफ्ट साइड से 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो काउंटिंग हमारी ऐसे एंटी क्लॉक वाइज चलती है। तो इसमें आप कनेक्शन अगर आपको करना है तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि किस पे आउटपुट आ रहा है, वो चीज़ यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि Q5, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन, कहाँ से हमें LEDs कनेक्ट करनी है, VDD 16 नंबर पिन पे देना है। उस तरह सर्किट जब आप देखेंगे उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा आपको। इसके अलावा एक माइक्रो स्विच हमने यूज़ किया है, जो कि इनपुट दे रहे हैं, जिसके थ्रू पल्स दे रहे हैं, ब्रेडबोर्ड और जम्पर वायर, एंड देन पावर सप्लाई कनेक्शन के लिए एक बैटरी कैप है। इसका एक डिटेल वीडियो भी हमारे पास है, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि आप कोई भी सर्किट ब्रेडबोर्ड पे कैसे इजीली बना सकते हैं, ब्रेडबोर्ड कैसे रन करता है, ऑपरेट करता है, कैसे उसे हम यूज़ करते हैं, उसके इंटरनल कनेक्शन कैसे होते हैं, वो चीज़ आप उस वीडियो में एक बार देख लेंगे। अब इसका सर्किट हम देखेंगे। यहाँ पे सर्किट इसका बहुत सिंपल है, VCC को हमें सप्लाई से कनेक्ट करना है, और ये क्लॉक पल्स 1 को हमने ग्राउंड कर रखा है ऑलरेडी, और क्लॉक पल्स 0 को हम पल्स दे रहे हैं, और मैनुअली सेट से हमें कोई मतलब नहीं है, ग्राउंड है हमारा। तो जब भी हम पल्स देंगे तो पहले Q0 हाई होगा, फिर Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह से ये सारी LEDs ऑन होती जाएंगी एक एक, और ये आउटपुट
सप्लाई की एलईडी है, यानी पावर आउटपुट पे आ रहा है तो इंडिकेट करेगी ये इनपुट सप्लाई की एलईडी, यानी ये एलईडी जो है वो 9 वोल्ट सप्लाई से ग्लो करती है, एलईडी 5 वोल्ट सप्लाई से ग्लो करती है। तो इस तरह से ये हमारी सर्किट है जिसको आप ब्रेडबोर्ड पे बहुत इजीली बना सकते हैं अगर सर्किट आपको क्लियर है। तो यहाँ पे हमने बनाया, आप देख सकते हैं।